हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज की वीडियो में ये हरे बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने चूल्हे पे बनाया है और बहुत ही कम तेल में बनाया ये भरता, जो कि बहुत ही हेल्दी है और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने दो हरे बैंगन लिए हैं, एक टमाटर और 5-6 हरी मिर्च। मैंने हाथ पे थोड़ा सरसों तेल लगा लिया और मैं बैंगन और टमाटर पे इन्हें थोड़ा लगा दूँगी और इनके अंदर मैं एक एक छेद कर दूंगी, ताकि अगर जब मैं इन्हें आग में डालूँ तो ये फटे ना। देखिए, इन्हें डायरेक्ट चूल्हे में डाल देना है। अभी स्टार्टिंग में इनकी आंच बहुत तेज़ है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इसे आंच को कम कर दूंगी और बाद में सिर्फ इसे हमें कोयले की आंच पे ही पकाना है। मैंने एक टमाटर भी डाल दिया है इसके अंदर। हरी मिर्च को हम बाद में पकाएंगे, क्योंकि उसे पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। देखिए, अभी तो आँच तेज़ है, इसे मैं 2 मिनट तक ऐसे ही पकाऊँगी। मैंने इसके अंदर सरसों का तेल लगा दिया, जिससे राख इसके अंदर चिपकेंगे नहीं और छीलने में आसानी होगी हमें। देखिए, आग मैंने बुता दी, अब सिर्फ इसे डायरेक्ट मैं कोयले पे पका रही हूँ। ये ऑलमोस्ट पक चुका है। बैंगन और टमाटर को हम निकाल लेंगे। अब मैं इसके अंदर आग को थोड़ा एडजस्ट करके हरी मिर्च डालूंगी। देखिए, हरी मिर्च को ऐसे फेंक देना है हमें आग के अंदर। इसे पकने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, तब तक मैं बैंगन और टमाटर को छील लूंगी। देखिए, हम इसके छिलके को ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ खींच लेंगे, ये आसानी से छिल जाता है। इन्हें छिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने सरसों का तेल लगा दिया है इसके अंदर। देखिए, ये कितनी आसानी से छिल जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। और याद रखिएगा, इसे आप ना जब बैंगन गर्म हो तभी छीलिए, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो जो इसका जो छिलका है वो चिपक जाएगा, फिर वो आसानी से नहीं छिलेगा। अब मैं टमाटर को भी छील दूंगी। देखिए, हरी मिर्च भी पक गई है, अब मैं निकालने जा रही हूँ इसे। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप ये जो मैंने 5-6 मिर्च डाली है, आप उसके बदले 2 डालिए। मैंने इसे थोड़ा तीखा चटपटा बनाया है, इसलिए मैंने 5-6 हरी मिर्च डाली है। ये भरता थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा उबला हुआ होता है, इसके अंदर स्वाद ये हरी मिर्च और प्याज से ही आता है। देखिए, बैंगन की डंठल को हम काट देंगे और इसको एक बार बीच में से कट करके देख लेंगे कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। आमतौर पर बैंगन के अंदर कीड़े होते हैं, तो वही देखने के लिए हम इसे बीच में से ऐसे कर रहे हैं। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च तोड़ के डालूंगी। देखिए ऐसे। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। मैंने एक बड़ा प्याज डाला है इसके अंदर और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सरसों का तेल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसे मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगे।